हेलो दोस्तों, मैं नीति समादिया और आपको महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध चल रहा था उसका एक दृष्टांत सुनाते हैं। बहुत ही बढ़िया दृष्टांत है। जब कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धस गया, वह रथ से उतर कर उसे ठीक करने लगे। वह उस समय बिना हथियार के थे। भगवान कृष्ण ने तुरंत अर्जुन को बाण से कर्ण को मारने का आदेश दिया। भगवान के आदेश को मानकर कर्ण को निशाना बनाया और एक के बाद एक कई बाण चलाए जो कर्ण को चुभते हुए लगे और कर्ण जमीन पर गिर पड़ा। कर्ण जो अपनी मृत्यु से पहले जमीन पर गिर गया था, उसने भगवान कृष्ण को से पूछा, क्या यह तुम हो भगवान? क्या आप दयालु हो? क्या यह आपका न्याय संगत निर्णय है, एक बिना हथियार के व्यक्ति को मारने का आदेश? सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण तब मुस्कुराए और उत्तर दिया, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में निहत्ता था, निहत्ता हो गया था, जब उन सभी ने मिलकर उसे बेरहमी से मार डाला था, आप भी उसमें शामिल थे। तब कर्ण, तुम्हारा यह ज्ञान कहाँ गया था? यह कर्मों का प्रतिफल है, यह मेरा न्याय है। हमेशा सोच समझकर काम करें। अगर आज आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो उनका तिरस्कार करते हैं, किसी ना किसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, तो भविष्य में भी वही कर्म आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा और शायद वह स्वयं आपको प्रतिफल देगा।